हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज बनाते हैं आलू का, कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी नाता और पकौड़ी टाइप ही बनेगा ये, बट बनने वाला काफ़ी हेल्थी है। बनाते हैं कच्चे आलू का बहुत ही टेस्टी नाता। और ये मैंने स्लाइस में आलू कटिंग की है, बारीक बारीक स्लाइस में, और झटपट से बन जाता है। सिर्फ 5 मिनट में आलू कटिंग करनी है बस। आलू का आप किसी भी शेप में कर लो। अभी मैंने ऐसे कटिंग किए हैं आलू, और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये मैंने ले लिया है, यहाँ पे आलू लिए हैं स्लाइस कटिंग करके। इसमें मैंने डाला है ये 3 चम्मच बेसन ले लिया है, और देखिए हनु भी ये करछी लिए घूम रहा था, और 2 चम्मच डाली मैंने सूजी। हनु को ये खेलने का लग रहा था कि बस इसे खेलना है, पिटाई बोल रहा था कि मम्मा इसे पिटाई। ये लेके घूम रहा था ये धरनी। और 2 चम्मच डालूंगी मैं इसमें आटा। तो मैं ये तीनों चीज़ ऐड करके बनाऊंगी, बेसन, सूजी और आटा, गेहूं का आटा है। और थोड़े सूखे मसाले डाल लेते हैं इसमें, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया नहीं था मेरे पास कुटा हुआ तो वो नहीं डाला। फिर मैंने थोड़ा डाला है गरम मसाला, और यहाँ पे आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन हरा धनिया भी मेरे पास नहीं था तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डाली है ये अजवाइन। और अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, पहले ऐसे ही मिलाऊंगी, इसको हाथ से मिलाऊंगी और फिर थोड़ा पानी डाल के मिक्स करूंगी अच्छे से। और बस ये हमारा बनकर हो जाएगा तैयार। और फिर कढ़ाई पे भी रख दी थी मैंने, तेल डाल के उसमें गर्म हो जाएगा इतना तेल। और पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं डालना था, बस थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स किया है मैंने, आधा कप मुश्किल से। और देखिए तेल भी गर्म हो गया अच्छे से, तो मैंने छोड़नी शुरू कर दी हैं ये पकौड़ियाँ। और कच्चे आलू से झटपट मुश्किल से 5 मिनट लगती हैं बनाने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और टेस्टी भी लगती हैं और काफ़ी हेल्थी भी हो जाती हैं। हनु बोलता रहता है मम्मी पकौड़ी उसको ज़्यादा अच्छी लगती हैं पकौड़ी, तो इसलिए मैं सारी चीज़ इसमें डाल के बनाती हूँ, आटा, सूजी और बेसन, खाली बेसन की नहीं बनाती। देखिए अब मैं इसमें से ये छोड़ दूंगी सारी पकौड़ियाँ जितनी भी आएंगी। ये देखिए अब इनको मैं, ये पक गई हैं कुछ देर, 2 से 3 मिनट देर तक, और अब मैं इनको ये कढ़ाई पकड़ लूँगी मैं कपड़े से, क्योंकि ये हिल जाती है, और इनको पलट दूंगी एक एक करके, सारी पकौड़ी पलट दूंगी मैं ये। और हनु परेशान हो रहा था पकौड़ी के लिए, वो बार बार आ रहा था मेरे पास रसोई में, मम्मी पकौड़ी दे दो, पकौड़ी दे दो। देखिए अच्छे से मैंने सारी पलटती हैं, अब इनको थोड़ी देर सिकने के लिए छोड़ दूंगी बस, थोड़ी देर से पक जाएंगी इधर दूसरी साइड से भी अच्छे से। ये देखिए पक गई हैं, मतलब कि अच्छे से सिक गई हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ थोड़ी करके, और बहुत ही क्रिस्पी बनती है ये, तीनों चीज़ ऐड करके बनाते हैं, आटा डाल के और सूजी डाल के, टेस्टी लगते हैं गरम गरम, बहुत अच्छी लगती हैं सॉस के साथ में, आप भी ट्राई कीजिएगा एक बार। वैसे तो सब बनाते हैं नॉर्मली ऐसे, लेकिन ये तीनों चीज़ मिक्स करके बना के देखना एक बार। और फिर मैंने ये जो बची हुई थी ये भी छोड़ देती हूँ मैं अपने दूसरी भी सारी पकौड़ी। लो जी हो गई है पकौड़ी तैयार, हमारा आलू का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता साथ में सॉस। आइए आप लोग भी नाश्ता कीजिए, और हनु भी खाएगा पकौड़ी। हनु पकौड़ी नहीं टटोड़ी बोलता है, और हनु को टटोड़ी बड़ी पसंद है। आज बारिश भी हो रही थी, मैंने सोचा चलो बना दूं हनु के लिए टटोड़ी, और थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो लीजिए बनकर हो गई है तैयार हमारी टटोड़ी पकौड़ी।